नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के कांग्रेस पार्टी से अधिकृत कर्माठ ईमानदार प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंहरे धीरू भैया की तरफ से सभी नगरवासियों को अपने अपने मतदान का सही जगह पर प्रयोग करने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका सपना सुंदर नगर हो, आपका अपना भाई धीरेन्द्र सिंहरे धीरू भैया कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नगर पंचायत सुमेरपुर। नमस्कार, श्री ज्योतिराम महाराज की तपोस्थली में सुमेरपुर में हमें बहुत कुछ दिया है। मेरे पिता को बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया और मेरा केवल नगर का नहीं पूरे क्षेत्र का हमारे ऊपर ये ऋण है और इस ऋण को चुकाना मेरा एक कर्तव्य है। मैं नगर सुमेरपुर में प्रमुख मेरे उद्देश्य कार्यों के प्रति ये हैं, जैसे तपोभूमि में स्वामी जी ने एक नाले को गंगा नदी की उपाधि दी, गायत्री गंगा नाम से उसको पवित्र किया और आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर बड़ी गंभीर तरह की चीज़ें हैं, इसलिए उसको पूरी तरह से उसका जीर्णोद्धार कराना, पूरी तरह से उसकी सफाई करा के उसको एक वास्तविक गंगा के रूप में सबसे पहला उद्देश्य मेरा यही है, ताकि नगर का प्रत्येक वासी वहाँ जाए और जब दीपदान के कार्यक्रम में शामिल हो, दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो, तो वहाँ का आनंदित माहौल हो। दूसरा मेरा उद्देश्य यह है कि नगर के मेरे जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के और निम्न वर्गीय परिवार के युवा जो आज उच्च शिक्षा के लिए महंगी पुस्तकें नहीं ले सकते, उनको समस्याएँ हैं, कुछ बजट की ऐसी समस्याएँ हैं नहीं ले सकते और उसके अभाव में उनकी तैयारियाँ कमज़ोर रहती हैं, तो उसके लिए एक निःशुल्क पुस्तकालय जो कि सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए खुला रहेगा, इसकी पहले सबसे प्राथमिकता में मेरी व्यवस्था करनी है। नगर में आप देखते होंगे पिछली वर्षा ऋतु में जैसे आपने देखा कि ऐसी बाढ़ें आई कि नगर के आधा दर्जन वार्ड उस बाढ़ की चपेट में आए ही नहीं बल्कि डूब गए। मतलब घरों में ये स्थिति थी कि घरों का सामान रखने के लिए जिनके पास छतें नहीं उनका सामान सड़ गया, बह गया, घर गिर गए। नगर में दो दर्जन से ज़्यादा घर गिर चुके थे। तमाम समाज सेवियों ने मदद की, लेकिन मेरा केवल कहना ये है कि अगर जनता द्वारा आशीर्वाद मिलता है, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये भी रहेगी कि आने वाली जो वर्षा ऋतु है, बरसात है, उसमें प्रत्येक आम जनमानस अपने घर तक सुरक्षित पहुँचे। उसी प्रकार जैसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ों पर बाद में चर्चा होगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मित्रों, मेरा नाम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।